जेपी दलाल ने भी कांग्रेस पर हमला बोला। भिवानी में जेपी दलाल ने कांग्रेस पर वार किया, कहा पहले सरकार में गरीब का बेटा रोता रहता था, कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग। जेपी दलाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले इसकी सरकारों में गरीब का बेटा रोता रहता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का एक भर्ती रोको गैंग एक्टिव। डीबीटी के माध्यम से आज 134 करोड़ रुपए उन लोगों को लिए जिनको सही मायने में जरूरत थी। दूसरी ओर आज बहुत सारे किसान जो बीमा नहीं करवा पाते थे या उनको किसी वजह से वंचित रह जाते थे, उनकी फसल खराब हो जाती थी। मनोहर लाल जी ने क्षतिपूर्ति पोर्टल से जो खराबे का पैसा देने की योजना बनाई कि किसानों को अपने आप वो बताएं, क्षतिपूर्ति पोर्टल पर बता दें कि कितना खराबा हुआ है और एसेस करके सरकार हरियाणा सरकार की तरफ से, ये बीमा कंपनी की तरफ से नहीं है, ये जो पैसा आज डीबीटी के माध्यम से दिया गया है लगभग 49,000 किसानों को, मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि पहले वाली सरकारों में गरीब का बच्चा रोता रहता था मेरिट वाला और साहूकार का बेटा नौकरी को खरीद लेता था। हमने गरीब के साथ खड़ा रहे हैं और मनोहर लाल जी की नीति की वजह से हमारी सरकार के अंदर 70-80% नौकरी उन लोगों को मिली है जिनको पहले कभी नहीं मिली। और 5 नंबर हमने दिए गरीबों को, उसके लिए एक भर्ती रोको गैंग है कांग्रेस का। उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जाके भर्ती रुकवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस भर्ती के रोक फेल नहीं होने देगी। सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और जो हमारे बच्चे लगे हैं उनको नौकरी बरकरार रखेगी। इससे आगे भी हम गरीबों की नौकरी लगाएंगे, मेरिट पे नौकरी लगाएंगे और गरीबों की नौकरी जो खा जाते थे उनके साथ हम लड़ाई लड़ेंगे।